أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. उनको बहुत सी चीजों का मुकाबला होता है, हवा का मुकाबला, कहीं से अर्जी जमीन की तरफ जो खिंचाव होता है का मुकाबला करना होता है, तो चाहे कितना तेज दौड़ाए उसकी एक कैपेसिटी है, लिमिट है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फजा के ऊपर खला है, वहां जमीन की कशिश खत्म हो जाती है। जमीन जो खींचती है अपनी चीज, जैसे कोई चीज ऊपर से हो ऊपर को उठाए तो वो नीचे को गिरती है, दर्द के फल नीचे को गिरते हैं, जमीन अपनी तरफ खींचती है, तो उस हदूद के अंदर जाकर जमीन की खिंचाव और कशिश जो है वो खत्म हो जाती है और हर चीज का वजन जो है बहुत हल्का हो जाता है, तो वहां स्पीड बढ़ जाती है। तो वहां जो गाड़ी चलती है उसको खलाई शटल कहते हैं, खलाई गाड़ी कहते हैं। अमेरिका के अंदर नासा है जो इदारा इन गाड़ियों की निगरानी करता है। तो फजा के अंदर एक दिन में पूरी दुनिया के 3 से ज्यादा चक्कर लगा देते हैं, पूरी दुनिया के 3 से ज्यादा चक्कर लगा। तो जो गाड़ियां रखी रहती है फिर उसमें म्यूजियम के अंदर, तो क्या मुझे वो दिखाओ, पर्वत को दिखाया, बड़े खुश हुए। फिर कहा कि अब मुझे जू लेके चलो, जू चिड़ियाघर, चिड़ियाघर लेकर गए हजरत को, कहा उधर लेके चलो जहां शेर बना हुआ होता है, शेर जाल में कैद होता है, वहां लेकर गए। तो असा हाथ में था, ऐसे ठोड़ी के नीचे असा लगा के उसको शेर को देखते रहे टिकटिकी बांधकर काफी देर तक, और उसके बाद जो है फिर एक ठंडी आह खींची और आंखों में आंसू थे, और मैंने लगे जब अल्लाह की मखलूक शेर के सामने हम खड़े नहीं हो सकते तो रब्बे जुल जलाल के सामने कयामत के दिन कैसे खड़े हो सके। तो शेर के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, अल्लाह के सामने हम कैसे खड़े हो सकते। फिर फरमाया कि देखो अल्लाह ताला की दो शान है, शान तो बहुत है लेकिन दो शान अजीब है, एक शान जलाली और एक शान जमाली। फलों में और फूलों में, बंदर में, बिल्ली में, परिंदों में, मोर में, इन तमाम चीजों के अंदर अल्लाह ताला की शान जमाल टपकती है कि जब फूलों के अंदर ऐसे अजीब रंग भरे, बटरफ्लाई यानी तितलियों के अंदर अल्लाह ने ऐसे रंग भरे, मोर के परों के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे नक्श निगार भरे, अल्लाह पाक ने बिल्ली और खरगोश और बंदर इनको ऐसा अजीब बनाया दिल बहलाने वाला, जब इनके अंदर ऐसे कमालात रखे तो वो जात कैसी बाकमाल होगी, वो जात कैसी बाजमाल होगी, खालिक जमाल कितना जमील होगा, जिसने हुस्न को पैदा किया वो खालिक कैसा हसीन होगा। तो ये सब चीजें अल्लाह ताला की शान जलाली के मजार है, शान जमाली के मजार है। और शेर, अजदहा, सांप, बिच्छू, ये खतरनाक पॉइजन वाले जहर वाले जानवर, हसरात लाल, ये सारे के सारे अल्लाह ताला की शान जलाली के मजार है कि जब सांप के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, शेर के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, बिच्छू के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, तो अल्लाह के जलाल के सामने हम क्या खड़े हो सकते हैं। बंदों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की कभी शान जमाली का मुशाहदा करे और कभी शान जलाली का मुशाहदा करे। अल्लाह आजकल जदीद टेक्नोलॉजी और मादियत की बहतात की वजह से हर इंसान का दिल पत्थर के सिल जैसा बनता जा रहा है। अल्लाह ताला की जात और सिफात पर गौर नहीं करते, सोचते हैं सब ऑटोमेटिक हो रहा है, सब ये खुद ब खुद हो रहा है, कोई करने वाला नहीं। एक बूढ़ी औरत से पूछा गया, बूढ़ी माँ आपने अल्लाह के वजूद को कैसे पहचाना? तो कहने लगी कि मैं जो रुई का चरखा आप चलाती हूँ, आपके यहाँ होता है चरखा ही बोलते, कि रुई का मैं चरखा चलाती हूँ मुझे इससे अल्लाह की मारिफत हासिल हुई। तो वो कैसे? कि मैं जब इसमें उंगली डालकर ऐसे इसके हैंडल को चलाती हूँ तो ये चलता है, फिर उंगली निकाल देती हूँ तो रुक जाता है। इससे पता चलता है कि जब एक चरखा चलाने वाले के हाथ का मुताज है तो इतनी बड़ी कायनात के चरखा ये ऑटोमेटिक कैसे चल सकता है। यकीन उनको इजाफ है जिसको चला रही है, यकीन उनको इजाफ है जिसको चला रही है। किसी अरबी और देहाती से पूछा आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? मन लगे कि ऊंट का गोबर, ऊंट की जो लीद होती है,
ऊंट की लीद ऊंट के वजूद पर दराज करती है। अगर कहीं रास्ते में उसकी लीद पड़ी हो तो क्या कहेंगे कि भाई यहां से ऊंट गुजरा है, ऊंट का वजूद है, उसी की लीद है। ऊंट की लीद ऊंट का गोबर ऊंट के वजूद पर दराज करता है और चलने वाले के निशाने कदम वो चलने वाले की जात के वजूद पर दराज करते हैं कि कोई इंसान यहां से गुजरा है। तो फिर ये कायनात, ये सूरज, ये सितारे, ये पहाड़, ये आफाक, ये अनफुस, ये सारे के सारे अल्लाह ताला के वजूद पर क्यों दलालत नहीं करते हैं? ये सारे के सारे अल्लाह के वजूद के मसाले हैं। कई मतलब शैतान मलून इंसान के दिल के अंदर ऐसे वसवसे डाल देता है कि अल्लाह का कोई वजूद नहीं और अल्लाह अल्लाह ताला कोई चीज नहीं, और ये सब बेकार की बातें हैं और ये सब ऑटोमेटिक, ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे मौके पर चाहे न चाहे, दिल चाहे न चाहे, उस वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह को बिना दलील के मानता हूं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से टूट के मोहब्बत करें, और ये इंसान के दिल के अंदर ये कैफियत आती कब है? अल्लाह ताला से बेजारी की और मजहब से बेजारी की और जो है खुराफात की और मासियत की, ये सब चीजें आती कैसे है? इसकी वजह यह है कि ये अल्लाह वालों की सोहबत से दूर हो जाता है। अल्लाह वालों की जब सोहबत में नहीं बैठता, प्यारे माँ बाप की सोहबत में जब नहीं बैठता, ठीक, तो फिर उसकी ये कैफियत बनती है। और अल्लाह कितना प्यार करते हैं अपने बंदों से, अल्लाह पकड़ बंदे को उसका अंदाजा नहीं है, बंदे को उसका अंदाजा नहीं है कि अल्लाह अपने बंदों से कैसा प्यार करते हैं। अल्लाह इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह ने एक वाक्य लिखा कि मैं एक गली से गुजर रहा था, एक वालिदा अपने बच्चे को फेंकती हुई बाहर लेकर आई। जैसे बाहर लेकर आई उसको तमाचा मारा, धक्का देके बाहर निकाल दिया, दफा दूर हो जा, तू मेरी बात नहीं मानता, अब मैं तुझे देखना भी पसंद नहीं करती है, दफा दूर हो जा, मैं तुझसे बड़ी हूं। ये कहकर दरवाजा उसने बंद कर दिया, बच्चा उठा और चलता रहा चलता रहा। अल्लाह इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक चबूतरे पे बैठ गया और देखता रहा कि होता क्या है। ये बच्चा चलता रहा काफी दूर, धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से रोता हुआ, आंखें मचलता हुआ चलता रहा, फिर एक गली के किनारे पर पहुंचा, खड़ा रहा, उसके बाद फिर ये वापस आया, फिर वापस आया और फिर अपने दरवाजे पर आकर बैठ गया। माँ ने किसी जरूरत से दरवाजा खोला और फिर कहा कि तुम जाओगे नहीं यहां से? तो माँ की आंखों को देखता है, रोने लगा और कहा, अम्मी आपने मुझे धक्का दे दिया और घर से निकाल दिया। मैंने मां सोच लिया था कि अब मैं दरवाजे तक कभी वापस नहीं आऊंगा, और मैंने सोच लिया था कि मैं क्या करूंगा। मेरा दिल बार बार कहता था कहीं जाकर चौराहे पे बैठकर बाजार में किसी के जूते सिया करेंगे, जूते साफ कर दिया करेंगे, मोची बन जाएंगे, दो पैसे मिल जाया करेंगे। अभी मैंने सोच लिया था मैं किसी का हाउस बॉय बन जाऊंगा, किसी के घर में जाकर खिदमत किया करूंगा, मुझे रहने के लिए छत मिल जाएगी और पेट भरने के लिए खाना मिल जाया करेगा। लेकिन अम्मी मुझे बार बार ये ख्याल आता था मुझे सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माँ का साया तो नहीं मिलेगा। बस इतना कहना था कि माँ ने उस बच्चे के सीने से लगा लिया और कहा, बेटा अगर तेरे जज्बात है, मैं तेरी माँ हूँ, मेरे भी तेरे जज्बात है, मैं कैसे तुझे जुदा कर सकती हूँ, लेकिन तुमने हरकतें ऐसी की मुझे तकलीफ दी, इसलिए मुझे तुझे तेरे साथ जदोपैद का मामला करना पड़ा। बेटा तू मेरा बेटा है, मैं कैसे सीने पे पत्थर रख के तुझे जुदा कर सकती हूँ। माँ ऐसी होती है, हमने बारहा देखा, माँ सुबह के वक्त अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, मदरसे भेजती है, और कई दफा बच्चा परेशान करता है, कपड़े नहीं बदलता, मुंह अच्छी तरह से नहीं धोता, माँ उसको नाराज होकर दो चपत लगा देती है, ऐसी धक्का नहीं दे देती है, और चाय भी पीने का मौका नहीं होता, टाइम होता है, गाड़ी आ चुकी होती है। अब बच्चा चला तो जाता है, लेकिन बारहा देखा गया कि बच्चे को धक्का देने के बाद और बच्चे को भूखा घर से निकालने के बाद माँ फिर बैठ के चाय नहीं पीती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ ने अपने बच्चे को भूखा बाहर निकाला हो और खुद अकेले बैठकर नाश्ता कर रही हो, वो नॉन चाय पी रही हो, कभी ऐसा नहीं देखा, बल्कि वो भूखी रहती है। वो अपना सारा वक्त जो है वो लगा देती है बर्तनों के साफ करने में, कपड़ों के धोने में, घर को साफ सुथरा करने में, झाड़ू पोछा लगाने में, वो अपना टाइम इसमें पास कर देती है और घड़ी को देखती रहती है, मेरा बच्चा कब आएगा, मेरा बच्चा कब आएगा। और जब छुट्टी का वक्त होता है दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और बच्चों को देखती है, बच्चे आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे छूट चुके हैं, और यही ऊंची ऊंची निगाहों से देखती है, मेरा बच्चा नहीं आ रहा, मेरा बच्चा नहीं आ रहा। फिर पूछ पड़ती है किसी से, मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा, कहा वो तो मायूस सा वही स्कूल में बैठा हुआ है। तो नंगे कदम खुद स्कूल की तरफ चल पड़ती है, नंगे कदम फिर स्कूल की तरफ चल पड़ती है, बच्चे को उठाती है, चूमती है, गोद लेती है और कहती है, बेटा तुमने मुझे नाराज किया था,
तुम जल्दी उठ जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तुम्हें कहां से तुमको मारती, गोद में उठा के लाती है और फिर पहले उसके मुंह में लकमा डालती है, ये उसका पेट भर जाता फिर खुद अपनी चाय पीती। माँ का दिल तो अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया, जब माँ के यह माँ की जज्बात है, माँ का दिल ऐसा है, तो अल्लाह पाक ने जब माओ के सीने में ऐसे दिल रखे हैं जिनके अंदर ऐसी रहमत और शफकत है, तो क्या अल्लाह ताला की यहाँ शफकत और रहमत नहीं होगी, अल्लाह रहीम करीम नहीं होगी? खुदा की कसम अल्लाह तो बड़े करीम है, अल्लाह बड़े रहीम है। एक बाप अपने बच्चे को लेके जा रहा था, बुरी रात थी, बच्चों की आदत होती है वो सवालात करते हैं। बच्चे ने कहा अब्बू ये जो सितारे चमक रहे हैं इनसे बड़ी भी कोई चीज है? कहा बेटा आपने देखा नहीं जब चांद निकलता है चांद के दिनों में तो कितना बड़ा है, सितारों से भी बड़ा है। कि अब्बू चांद से बड़ी भी कोई चीज है? हाँ बेटा सूरज चांद से भी बड़ी चीज है। अब्बू सूरज से बड़ी भी कोई चीज है? कि आसमान जिसके अंदर ये सारे के सारे समाये हुए इनसे भी बड़ा है। आसमान से बड़ी भी कोई चीज है? हाँ बेटा वो अल्लाह का अर्श है वो सबसे बड़ा है। कि अब्बू इससे बड़ी भी कोई चीज है? तो कहने लगा हाँ बेटा तेरे बाप के गुना इससे भी बड़े हुए, तेरे बाप के गुना अल्लाह के अर्श से बड़े हुए हैं। कि अब्बू अब उसे क्या पता गुना क्या चीज होती है? कि अब्बू उससे बड़ी भी कोई चीज है? हाँ बेटा अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी हुई है, अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी हुई। अल्लाह की शाम कुछ दिनों के बाद इंतकाल हुआ, किसी साहिब ने इस पर बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या बना? कहने लगे अल्लाह पाक ने रहमत का मामला फरमाया, मकसूद फरमा दी। कि वो कैसे? इस तरह की मेरी रात थी, बच्चे के साथ में मुकालमे चल रहा था, बच्चे के साथ इस तरह की बातें हो रही थी, तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया कि मेरे बंदे ने अपने गुनाहों को मेरे आप से बड़ा कहा और फिर मेरी रहमत को उससे बड़ा कहा। तो जिस बंदे को इतना यकीन है मेरी रहमत पर कि अपने बच्चे के दिल में ये बात बिठा रहा है कि कायनात में सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत है, तो मैं उस बंदे को कैसे तकलीफ दे सकता हूँ, कैसे उसको अजाब दे सकता हूँ? ये मेरा महबूब बनता है, ये मेरा महबूब बनता है। इसलिए अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, अब अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जिक्र अस्कार करके अपने दिल को और अल्लाह वालों की सहूलत करके अपने दिल को साइकिल करना चाहिए, साफ करना चाहिए। आपके यहाँ तांबे पीतल के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, साल में दो साल में एक आध मरतबा कले घर के पास उसमें कले करवाते हैं कि नहीं? देगों में, गिलास में, जग में, प्लेटों में, तबाक में, तख्त में कले करवाते हैं कि नहीं? कले करवाते हैं। इसी तरह दिल के ऊपर भी जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। ये अल्लाह वाले कले घर हैं, इनकी सहूलत पर बैठते हैं, अल्लाह की मोहब्बत का इस पर कलर कोड चला देते हैं, कले चढ़ा देते हैं, गुनाहों के तेजाब के जरिए से हम उस कले को फिर थोड़ देते हैं। अल्लाह वाले अपनी सोहबत में बिठाकर अल्लाह की मोहब्बत की बातें सुनाकर उस पर फिर से कॉट चढ़ा देते हैं, रंग चढ़ा देते हैं। तो जिक्र अस्कार करके अपने दिल को नरम करना चाहिए, जिक्र अस्कार करके अपने दिल को नरम करना चाहिए। हदीस पाक में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लकुल्लि शैइन, हर चीज के लिए मांझने का साफ करने का एक केमिकल एक आला होता है, दिल को साफ करने वाला आला वो अल्लाह की याद है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, ये लोगो आगाह हो जाओ, दिलों का सुकून और इत्मीनान अल्लाह की याद में। याद कहा करता है? आजकल हमने दौलत को सबसे बड़ी चीज समझा है, हर चीज यानी इसका नाम हमने गोया मुश्किल कुशा रख दिया है, हर परेशानियों का हल दौलत। कई मतलब नौजवान शाम में ये बात कहते हैं, मियाँ अगर जेब भरी हुई हो और पैसा अपने पास में हो तो शेरनी का दूध भी खरीद सकते हैं। ऐसी तकब्बुराना बात करते हैं, मुतकब्बिराना बात करते हैं, उस वक्त अल्लाह को भूल जाते हैं और सोचते हैं पैसा हर चीज का हल है। कश्मीर के अंदर गुजरात में जलजला आया 2001 के अंदर, यहाँ एक कार्रवाई के साथ एक काफिले के साथ में रिलीफ के निकला रहबर बनकर, तो वहां हम पहुंचे देहातों में, घरों में, लोगों के और दरवाजों पर जाकर तो पूरा का पूरा इलाका वीरान हो चुका था। अल्लाह ताला की ऐसी तजल्ली की शान पड़ी थी, ऐसी जलाली तजल्ली पड़ी थी कि कब्र के पत्थर देखे, कब्र के ऊपर जो पत्थर और ईंटें पड़ी होती ऐसा लगा जैसे अंदर से काश हुआ हो, कोई था कब उसने बखेर दिया सब चीजों, कब्र के ऊपर के पत्थर इस तरह से बिखरे पड़े थे। नौजवानों ने बतलाया कि ये जो जमीन आपको फटी नजर आ रही है 80-80 फीट ऊंचे पानी के चश्मे बुलंद हुए थे, उन कुएं पर हमने जाके देखा जो कुएं पानी से भरे हुए थे, जैसे किसी बंदे ने बहुत सारा खाना खा के बकार नहीं हो वो सारे के सारा नीचे उतर जाता है, इस तरह सारे कुएं के पानी जमीन में चले गए और बहुत से कुएं ऐसे थे जिनके अंदर पानी नहीं था उनके अंदर पानी आ गया।
مغرب کی نماز کا وقت تھا, ہم آن دی وے روڈ پہ تھے, قافلہ سائڈ کیا, ہم نے کہا بھائی نماز بالکل آکسیجن پر ہے, مغرب کی ختم ہونے جا رہی ہے تو جلدی سے نماز اپنی ادا کریں. تمہارے ساتھ پانی کے پاؤچ تھے, ہم نے وضو کیا, روڈ کے اوپر ہی کنارے پہ کھڑے ہو کے ہم نے مغرب کی نماز جماعت سے ادا کی. تو ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور گجراتی زبان میں کہا آتمو نے آجونگر دکھائے چھے, یہ پہاڑ آپ کو دکھ رہا ہے؟ جی دکھ رہا ہے. کہا اس نے اپنا رخ بدل دیا. ہم نے کہا اس نے کیسے رخ بدل دیا؟ کہا اس کے اوپر جو مندر بنا ہوا ہے اس کی سیڑھیاں پہلے مشرق کی طرف تھی, اب وہ مغرب کی طرف آ گئی, پہاڑ گھوم گیا. اللہ پہاڑوں کو گھمانا کسی انسان کا کام ہے؟ زمین کو پھاڑ دینا اور چشموں کو جاری کر دینا کسی انسان کا کام ہے؟ نہیں. دریاؤں کو خشک کر دینا, چشموں کو خشک کر دینا اور سمندروں کو خشک کر دینا اور کنوؤں کو خشک کر دینا کسی انسان کا کام ہے؟ یہ رب عزوجل جلال کا کام ہے. اللہ اس کی شان بے نیازی سے ہمیشہ ڈر کے رہنا چاہیے اور ہمیشہ دن چاہے نہ چاہے نہیں, ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے, ہر وقت بندہ اللہ کا عاشق بن کر رہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک راہب تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے. اس راہب نے کہا حضرت جب آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو, اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو اور آپ کو موقع ہو اور آپ کو یاد رہے تو ایک بات پوچھ لینا. کہا وہ کیا؟ کہ یہ پوچھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا کیا مقام ہے, مرنے کے بعد مجھے کیا ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے پوچھا باوجود اس کے کہ پتا تھا کہ کس نے کیا کہا ہے, کوئی میسج, کسی کا کوئی پیغام, کہ جی اللہ رب العزت ایک بندے نے یہ پوچھا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا مقام ہے آپ کے یہاں, اس کو جا کے کہہ دو کہ ہم نے جہنم کے اندر ایک کینال بنائی ہے جس میں خون اور پیپ بہے گا, اس کے اندر ایک اسٹون کی ضرورت ہے, ایک پتھر کی ضرورت ہے, اینٹ کی ضرورت ہے, اس راہب کی وہ اینٹ بنا کے اس جگہ فٹ کی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور تھوڑے سوچ رہے تھے کہ یہ پیغام اس عاشق کو میں کیسے دوں. یہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے عبادت میں لگا رہنے والا جب یہ پیغام سنے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا, لیکن چونکہ امانت تھی اللہ کی کہنا تھا چنانچہ سنا دیا. بس ایک چیخ نکلی, ایک چیخ نکلی اس شخص کی اور کہا سبحان اللہ, نہیں میں تو کامیاب ہو گیا, اللہ کو میں پسند آ گیا, اللہ نے میرا انتخاب فرما لیا. اس بات پر عاشق کی نظر اس پر نہیں ہوتی کہ مجھے کیا ملے گا, وہ تو یہ ہو کہ محبوب کی نظر میں منتخب ہو جاؤں, سلیکٹ ہو جاؤں, اس کی نظر تو اس پر ہوتی ہے. اب جب وہ ایسا عاشق تھا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے؟ تو ایک آزمائش تھی کہ دیکھیں وہ کہتا کیا ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں جا رہے تھے, بکریاں ساتھ میں تھی, اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو سامنے بھیجا, وہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب انداز سے تعریفیں کرتا جا رہا ہے, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والکبریائی والجبروت. اب یہ عجیب و غریب انداز کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ان کا تذکرہ ہوا تڑپ اٹھے نوجوان بچے. بھائی جب کوئی بہت پرانا کوئی سانگ سنے پرانے زمانے کا اور کوئی گنگنا رہا ہو تو آدمی ٹھٹک جاتا ہے, یار یہ تو ہم نے فلاں زمانے میں سنا تھا. ایسا ہی ہے نا, جو آدمی کوئی پرانی چیز کو لائک کرتا ہو, پسند کرتا ہو اور بہت زمانے کے بعد کسی کی زبان سے وہ سن لے یا دیکھ لے تو آدمی ٹھہر جاتا ہے. ایسے ہی ٹھہر جاتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, اس کو سنتا ہے. ایک مرتبہ دو سال پہلے حج پر یہ آج اس حرم شریف کی جو توسیع ہو رہی ہے اس طرف عارضی اسٹال بنے ہوئے تھے, وہاں رات کے وقت میں شراب کے لیے جانا تھا تو میں چائے پیا تو ایک کشمیری قبضہ خان کے کشمیر تو ماشاء اللہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں, تو میں نے چائے پیتے پیتے ذرا ان کو رگ و نازک رگے نازک کو چھیڑا. میں نے پوچھا ہاں ٹھیک جیسے کہا, بس ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے آگے پوچھا آپ کہاں کے, آپ کون سی جگہ کے. ہم نے چپ چاپ چائے پیتا رہا, یہاں تک کہ وہ بندہ میرے قریب آ گیا اور کہا جی کہا کیوں تھے کیوں نہیں آپ کہاں کے ہیں. میں نے کہا دیکھو اس جملے سے زیادہ مجھے نہیں آتا لیکن مجھے آپ سے محبت ہے, مجھے آپ کشمیریوں سے محبت ہے اس لیے مجھے یہ جملہ آتا ہے. تو بہت خوشی ہوئی, پھر ہم نے ان کو چائے پلائی اور الگ سے ایک بار پھر باتیں ملا. تو دیکھو جب بندے کو کسی چیز سے محبت ہوتی, اس آدمی کو اپنے وطن سے محبت تھی تو حرم میں اگر کوئی وطن کا مل گیا نہیں تو جذبات ہو جاتا ہے کہ نہیں. ایک افغانی پٹھان دبئی کے علاقے میں کہیں بہت دور ریگستانی علاقے میں کہیں کام کرنے گیا تو دیکھتا یہاں سب لوگ ڈبے قبے پہنے ہوئے ہیں, کوئی وطن کا نظر نہیں آتا, وہ بڑا مرنجیدہ رہتا تھا. جنگل میں گیا ریگستان میں تو وہاں سے کتا نظر آیا,
तो उसकी ओर से उसने माना का किया कि पहले बन ली और क्या सुबहान अल्लाह मेरे वतन की एक चीज तो मुझे मिल गई, इन्हें कुछ तो मिल गया। थोड़ी देर के बाद उसने भोगा तो कहो तू भी कुछ तो बोलता है, तू भी कुछ तो बोलता है। उसने हम ने सुन किया कि ये भी हमारे इलाके के जवान बोलता है। तो आदमी को अपनी चीजों से एक मोहब्बत होती है, एक ताल्लुक होता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह से मोहब्बत थी। तो जब अल्लाह की मोहब्बत में कोई बंदा आगे तारीफी कलमात कह रहा था तो उनका इश्क रहा न गया, उनसे रहा न गया। चुनाचे उन्होंने उस नौजवान को कहा भाई करम कर दीजिए, मेहरबानी कर दीजिए, एक मरतबा और सुना दीजिए। कहा क्या रहोगे? कहीं जो बकरियों का रेवड़ा आपको दिखाई दे रहा है आधा आपको दे दूंगा। उसने फिर सुना दिया सुभान अल मुल्क वल मलकूत, सुभान अल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किबरिया वल जबरूत। तड़प गए, होती रहे सना तेरे हसन जमाल की, बस सुन सुनो तो तड़प गए। कहा भाई एहसान फरमाए एक बार सुना दे, क्या दोगे? आधा जो रेवड़ बचा है वो भी आपको दे दूंगा। चुना से फिर सुना दिया, और जैसे सुनाया तो जैसे एक चुल्लू पानी अगर दहकते हुए तन्नूर में डाला जाए तो तन्नूर की आग बुझती नहीं और भड़क जाती है। तो उसने तो दो चुल्लू पानी डाला था, अब वो आग भड़क गई। अल्लाह की शान, कहा भाई एहसान फरमाए एक बार और सुना दे। तो क्या अब तो आपके पास देने की कोई चीज बची नहीं, अब क्या दोगे? क्या बकरियां तो मैंने आपको दे दी, बकरी चराने के लिए आपको चरवाहे की जरूरत पड़ेगी, मैं जिंदगी भर आपका चरवाहा बनकर आपके साथ रहूंगा, एक बार और सुना दे। फिर उसने कहा इब्राहिम सलाम हो तुम पर, मैं अल्लाह के फरिश्ता हूँ, इंसानी शक्ल में आया हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा कि जाओ मेरे इब्राहिम के सामने मेरा नाम लो और फिर देखो मेरे नाम की वो क्या दाम लगाता है। तो हम अपने दिल को अल्लाह वालों के स्वरूप में रखकर, नए बुजुर्गों की किताबें पढ़कर, उनकी बात सुनकर, अल्लाह का जिक्र अस्कार करके ऐसा बना लें कि हमें कायनात में हर जगह अल्लाह नजर आए, हमें कायनात की हर चीज में अल्लाह तआला का हुक्म नजर आए। यारब दरो ने सीना दिल बाखबर करे, शायर मशीक अल्लाह इकबाल फरमाते हैं यारब दरो ने सीना दिल बाखबर कर दे, तो अल्लाह मेरे दिल के अंदर मेरे सीने के अंदर ऐसा दिल अता फरमा जो 24 घंटे आपसे मुतले रहे, बाखबर रहे, आपकी मोहब्बत में हाजिर रहे। यारब दरो ने सीना दिल बाखबर कर दे, दर बादा नशा मीन गरम आ नजर में दे, शराब के अंदर मैं नशे को देखना मुझे ऐसी नजर अता फरमा। क्या मतलब? शराब के अंदर जो नशा होता है वो नशा आंखों से नजर नहीं आता, वो तो पीने वाला उसको महसूस करता है। ये अल्लाह ये कायनात जो फैली हुई है मुझे बातनी ऐसी बसीरत अता फरमा, इस फैली हुई कायनात के अंदर मुझे हर हर जगह पर इसके पीछे आपका हुक्म कारफरमा नजर आए, मुझे लगे कि इसके पीछे आपका काम चल रहा है, आपका हुक्म इसके पीछे चल रहा है, मुझे आपके हुक्म का इदराक होता रहे। ये अल्लाह मुझे ऐसी नजर अता फरमा दीजिए। बस हमारी तो इसको कहते हैं हुजूरी वाली नजर। जब बंदा हुजूरी वाली कैफियत हासिल करता है, दिल में अल्लाह ताला की याद बसी होती है, फिर अल्लाह की जात से वो कभी गाफिल नहीं हुआ करता, अल्लाह की जात से कभी गाफिल नहीं हुआ करता। वो उसकी नजर हमेशा इस बात की तरफ होती है कि हर चीज के पीछे अल्लाह ताला के हुक्म चल रहा है। ये आजीज अपनी बात को समेटता है, मजहब को समेटता है, सुने और दिल के कानों से सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा, क्यों भेजा? इलेक्ट्रॉनिक के दौर में, टेक्नोलॉजी के जमाने में जितनी भी मशीनरी इजाद हो रही है, तमाम मशीनरी के साथ में एक छोटा सा किताब चाहता है, यूजर मैनुअल जिसको कहते हैं, यानी तरीके इस्तेमाल की डायरी, तरीके इस्तेमाल की किताब। आप सेलफोन खरीदें, आप जो है वॉशिंग मशीन खरीदें, आप कंप्यूटर खरीदें, आप कोई भी चीज जो है खरीदें, इलेक्ट्रिक का कोई भी आइटम खरीदें, उसके साथ में एक छोटा सा छोटी सी एक गाइड आती है, उसमें उसका तरीका इस्तेमाल लिखा रहता है और आखिर में वार्निंग लिखते हैं कि देखो ये जो तरीका इस्तेमाल हमने बताया है इसके खिलाफ आप करोगे तो ये मशीन आपका साथ छोड़ देगी और हम भी आपका साथ छोड़ देंगे, हमारी तरफ से कोई वारंटी और गारंटी नहीं है, वारंटी और गारंटी कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसान की एक मशीन भी तैयार की, इस मशीनरी से क्या कुछ काम लिया जा सकता है, ये मशीन भी क्या कुछ काम कर सकती है, उसके लिए अल्लाह पाक ने एक यूजर मैनुअल एक गाइड भेजा, वो है कुरान पाक, और कुरान पाक को समझाने के लिए रसूल पाक को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो पढ़ पढ़ के इसको सुनाएं और लोगों को समझाएं कि तुम जो अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे अंदर खूबियां क्या क्या है, तुम्हारे अंदर क्या क्या कमालात रखे हैं। उसी कुरान पाक में
اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگل میں بکریاں لے کے گئے, ہاتھ میں ان کی لاٹھی اور عصا تھا, اسٹک تھی. اللہ پاک نے پوچھا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے میرے پیارے محبوب موسیٰ, آپ کے دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ سوچ کون رہی ہے؟ اللہ, اور اللہ اللہ ہے, کوئی بچہ نہیں ہے. اللہ پوچھے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا؟ ہے عصائے, یہ میری لاٹھی ہے. بات تو پوری ہو رہی تھی نا, پوچھنے والے اللہ ہیں, کوئی سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. پوچھا کیا ہے؟ اللہ لاٹھی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے چھوڑ کر چپ نہیں ہوئے, بلکہ لاٹھی کے فوائد پر ایک چھوٹی سی تقریر کی, چھوٹی سی تقریر کی. کیا فرمایا؟ ہے عصائے, یہ میری لاٹھی ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں بکریوں کے لیے چارہ گراتا ہوں, درخت کی شاخوں پہ اس کو مارتا ہوں, چارہ گرتا ہے تو بکریاں چرتی ہیں. ولی افیہ معارب اخرا, اور اس کے بہت سارے اور بھی مقاصد ہیں جو ہڈن ہیں, چھپے ہوئے ہیں, اور بھی میرے بہت سے مقاصد اس سے وابستہ ہیں. اللہ کے سامنے لاٹھی کے فوائد پر تھوڑا بیان کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا, اچھا موسیٰ, بڑی اچھی بات کہی آپ نے, ذرا چھوڑو پہ اس کو. تھوڑے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا, کیوں آپ کو میری بات پسند نہیں آئی؟ حجت نہیں کی, فوراً چھوڑ دیا. اس سے پتا چلتا ہے جب کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی بات کہے تو آنا کہانی نہ کرے, فوراً اس کو کر لے. آنا کہانی نہ کرے, فوراً اس کو کر لے. چنانچہ لاٹھی چھوڑ دی. جیسے لاٹھی چھوڑی تو اذا ہی حیۃن تسعیٰ, تو وہ تو ایک لہراتا ہوا بڑا سا سانپ اسدا بن گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھبرانا یہ اس بات پر دلالت ہے کہ حضرت موسیٰ وقت کے نبی تھے, بشر تھے, انسان تھے, خدا نہیں تھے. وقت کا نبی خدا نہیں ہوتا, بشر ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی خوشی اور غم لگی ہوتی ہے. وہ بھی خوشی کی چیز سے خوش ہوتا ہے, غمی کی چیز سے غمگین ہوتا ہے. یہ الگ ہے کہ اس کی ذات ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہے. چنانچہ گھبرا گئے. اللہ پاک نے فرمایا, لا تخف, اے موسیٰ ڈرو نہیں, آپ اس کو پکڑ لو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی نہیں فرمایا کہ اللہ آج آپ کیا تماشا کر رہے ہیں, پہلے تو ہماری لاٹھی چھڑوائی, اسے سانپ بنایا, آپ کہہ دیا پکڑو, اس نے تو کاٹ کھایا. تو اللہ فرماتے, سنعیدھا سیرتھا الاولی, ہم اس کو اپنی اصل حالت پہ واپس کنورٹ کر دیں گے, واپس اپنی حالت پہ لوٹا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھو چھڑا نہیں کیا, فوراً اس کو پکڑ لیا. جیسے پکڑا تو وہ عصا بن گیا, لاٹھی بن گیا. اب اس میں اللہ پاک نے ایک سبق دیا, اے موسیٰ خبردار, یاد رکھو اس بات کو, اس سبق کو بھولنا نہیں. آپ نے لاٹھی کو فائدے والی چیز سمجھا تھا, جب ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو, آپ نے چھوڑا تو وہ نقصان والی چیز بن گیا, پھر آپ ڈر گئے. سانپ کو آپ نے نقصان والی چیز سمجھا تھا, ہم نے کہا اس کو پکڑ لو تو پھر سے فائدے والی چیز بن گیا. یاد رکھنا, چیزوں کے اندر فائدہ اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں تو چیز فائدہ پہنچاتی ہے, ہم چاہتے ہیں تو چیز نقصان پہنچاتی ہے. ہمارے حکم سے فائدے والی چیز نقصان والی بن جاتی ہے, ہمارے حکم سے نقصان والی چیز فائدہ دینے والی بن جاتی ہے. چیزوں کے پیچھے ہمارا حکم کار فرما ہے, چیزوں میں فائدہ اور چیزوں میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم تمام کو یہ سبق دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اور پھر وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام السلام کا کی ایسی کیفیت بنی, اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی ایسی تربیت فرمائی کہ ساحران فرعون موجود تھے, فرعون کے جادوگر موجود تھے, سارے کے سارے آگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تنہا ون مین شو اکیلے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور سارے جادوگر سامنے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ میں وقت کا نبی ہوں, مدد اللہ کی میرے ساتھ آئے گی, اللہ کی مدد سامنے والوں کے ساتھ نہیں آئے گی, وہ باتوں پر ہے, میں حق پر ہوں. لہذا مقابلے کے لیے جب باری آئی تو جس وقت کرکٹ کا کھیل کھیلتے ہیں تو ٹاس اچھالتے ہیں, سکہ جب اچھالتے ہیں تو باوجود اچھالنے والی ٹیم اگر جیت بھی جائے تو پھر کہتے ہیں چلو یار باری آپ کو دیتے ہیں, آپ بیٹھے, آپ بلے بازی پہلے کر دو. تو باوجود اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ میں تو جیتنے والا ہی ہوں, لیکن اگر میں نے اقدامی حملہ کیا, میں اگر جیت گیا تو سارے کے سارے لوگ یوں کہیں گے کہ بہت بڑا جادوگر ہے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں بہت بڑا جادوگر ہے. تو کب پہلے ان کو موقع دو تاکہ ان کے غباروں کی ہوا نکل جائے, تاکہ یہ بہر خوش ہو جائے, اس کے بعد حق واضح ہو لوگوں کے سامنے. تو کہا اچھا بھائی چلو میں ٹاس تمہیں دیتا ہوں, تم مقابلہ کرو, تم ابتدا کرو. انہوں نے اپنے ہاتھوں کی رسیاں اور لاٹھیاں چھوڑی اور سارے کے سارے سانپ اسدے بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل تھوڑا سا گھبرایا کہ
कि मैं अकेला हूँ। अकल ये कह रही है कि मूसा आपके हाथ में अकेले लाठी हूँ, इसको छोड़ना मत, इतने सारे सांप तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, जैसे तुम्हारे जिस्म पर आई फौरन दे दयानंद मार पीट के सबको खत्म कर देना। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, छोड़ दो मूसा। और चूंकि रिहर्सल पहले हो चुका था, मच पहले हो चुकी थी, कहे मूसा इसको छोड़ दो। हजरत मूसा इस्लाम दे मारा उसको, जैसे उसको छोड़ा और इतना बड़ा सांप बना कि सारे के सारे सांपों पर निकल गया। और सांप बनने के बाद वो सांप फिर मुतवज्जे हुआ फिरौन की तरफ। फिरौन कहते हैं कुर्सी लेके पीछे को गिर गया, उसके कपड़े खराब हो गए, हर खराब हो गए उसकी। और कहा ये मूसा इसको संभाल। तो देखिए चीजों के पीछे अल्लाह का हुक्म चलता है। बंदे को चाहिए वो अल्लाह ताला की हमेशा अल्लाह ताला की तरफ नजर रखे। अल्लाह पाक ने अंबियाए किराम के जरिए से एक बता दिया, ये कायनात दोस्तों ऑटोमेटिक नहीं चल रही, इसके पीछे एक मजबूत रब का हुक्म काम कर रहा है। एक फैक्ट्री वाला फैक्ट्री बनाता है, फैक्ट्री के कुछ कानून और उसूल बनाता है, और कानून उसूल बनाने के बाद वो उन कानून को फॉलो करना उसके लिए कोई लाजिम नहीं होता, वो मालिक है। वो कहते हैं लेबर के लिए कानून है और जनरल मैनेजर के लिए कानून है और वॉचमैन के लिए कानून है, वो कानून बनाता है। और कानून बनाने के बाद खुद जो है वो आजाद होता है, वो मालिक है उसका, वो कभी भी कानून बदल देता है। अल्लाह पाक ने इस कायनात को बनाया और कायनात को बनाने के बाद एक जाब्ता और कानून बना दिया। क्या कानून बनाया, शाली जमीन से उगेगी, शाली जमीन से उगेगी, पानी चश्मों से बहेगा, फल दरख्त पे लगेगा, औलाद माँ बाप की तन्हाई की मुलाकात से वजूद में आएगी। ये अल्लाह ने कानून बना दिया, इसको कहते हैं सुन्नतुल्लाह। इसको क्या कहते हैं, सुन्नतुल्लाह, अल्लाह की ये सुन्नत है, अल्लाह का ये तरीक है, अल्लाह की आदत है कि अल्लाह ताला इस तरह से कायनात का निजाम चलाते हैं। अगर कोई नौजवान बच्चा मेरे पास आए और कहे जरा दुआ करना अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे, अब हमसे पूछे बेटा आपकी शादी कब हुई है, शादी तो नहीं हुई, तो अल्लाह के बंदे बेवकूफ है, शादी तो हुई नहीं और कैसे औलाद अता फरमा दे। वो पहले शादी करो, उसका एक जाब्ता है, निजाम है अल्लाह का, पहले निकाह तो करो फिर औलाद की दुआएं करवाइए। वही है ना, शादी जमीन के अंदर आप हल न चलाए, जमीन को जोते नहीं, खोदे नहीं, उसको बीज डाले नहीं और फिर अल्लाह मेरी खेती में बरकत देगी, कहां से मिलेगी, वो उस बात को अख्तियार करें। तो अल्लाह ताला की जो सुन्नत चली आ रही है आप उसको तो फॉलो करें। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला कभी कभी अपनी सुन्नत से हटकर अपनी शान और अपनी कुव्वत को दिखाने के लिए एक दूसरी चीज से अपनी शान का इजहार फरमाते हैं, उसको कुदरतुल्लाह कहते हैं। मतलब छुरी हमेशा काटती है, छुरी हमेशा काटती है, लेकिन एक मौके पर छुरी ने नहीं काटा था, हालांकि कटने वाली चीज बड़ी नाजुक थी, मामूली सा बच्चा था, और काटने वाला हाथ बड़ा मजबूत था, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और चलने वाली छुरी भी बहुत तेज थी, लड़े की थी, लेकिन उसने नहीं काटा। ये अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई, ये कुदरतुल्लाह। आग हमेशा जलाती है, किसी को बख्शती नहीं है, आग हमेशा जलाती है, लेकिन एक मौके पर उस आग ने नहीं जलाया, हालांकि जलने वाली चीज बड़ी नाजुक थी और आग भी बहुत जबरदस्त थी और डालने वाली भी बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन वक्त के नबी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया। ये क्या था, कुदरतुल्लाह, ये कुदरतुल्लाह। तो एक सुन्नतुल्लाह, एक कुदरतुल्लाह, बंदे को सुन्नतुल्लाह पर यकीन करते हुए, कुदरतुल्लाह से डरते हुए अल्लाह की जात पर नजर रखनी चाहिए, अल्लाह की जात पर नजर रखनी चाहिए, और हमेशा हमेशा अल्लाह ताला से मांगता रहे, मेरे मालिक मैं खुद से दुनिया में नहीं आया, आपने मुझे भेजा है, मैं खुद से दुनिया में नहीं आया, आपने मुझे भेजा है, कि अल्लाह जब आपने मुझे भेज दिया तो अल्लाह मुझे ऐसा बना दीजिए जैसा आप देखना मुझे पसंद करते हैं, अल्लाह मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपको पसंद आ जाऊं। अगर कोई आदमी किसी से मोहब्बत करता हो तो हमेशा ऐसा बनने की कोशिश करता है कि उसकी नजर में मैं महबूब रहूं। तो जब दुनिया का इंसान ऐसी तमन्ना करता है तो अल्लाह का वली इस बात की तमन्ना करता है कि मैं अल्लाह का ऐसा बंदा बन के जीऊं कि अल्लाह को मुझे तरस आए, अल्लाह को मुझ पर तरस आए। अल्लाह अकबर कबीरा। और कभी कभी फरिश्तों को दिखाना था, बशर ऐसे भी होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मक़बूल महबूब बंदों के साथ ऐसे मामलात फरमाते हैं, ऐसे मामलात फरमाते हैं ताकि फरिश्तों को रश कर सके और फरिश्तों को बताएं, ये फरिश्तों लो तुम इनकी पैदाइश पर वादे ना कर रहे थे और कहते इनको क्यों पैदा कर रहे हो, देखो देखो देखो, दिल बहलाने वाली बेन मौजूद,
ठंडी का मौसम मौजूद, गरम गरम हीटर मौजूद, गरम गरम शाल और कंबल मौजूद, लेकिन मेरा हुक्म हो चुका है, अजान हो चुकी है, बेबी को छोड़ के जा रहा है, कंबल उतार के जा रहा है, कांगड़ी छोड़ के जा रहा है, गरम गुरूम छोड़ के जा रहा है, और गति मेरे सामने जाके सस्तावेज होगा, मुझे अभी याद करेगा। नहीं, फरिश्तों को दिखाना था, बशर ऐसे भी होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने मकबूल महबूब बंदों में शामिल फरमाए, अल्लाह वालों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। ये रिजालुल्लाह और शायरुल्लाह जितने भी आसमान की छत के नीचे अल्लाह ताला की जात से वाबस्ता चीजें हैं, जो अल्लाह ताला की याद दिलाती हैं, अल्लाह ताला के अहकाम की याद ताला करती हैं, अल्लाह हमें दिल जान से उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, उनसे अपने आप को वाबस्ता रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आने वाली जिंदगी को गुजरी जिंदगी का सफारा बनाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए अल्लाह ना कर लें, सर को झुका लें, आंखों को बंद कर लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट करके अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारा वो दिल सवाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटू, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटू, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। सुनो मैं नाम तेरा दर कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। हटा लो आंख अपनी माँ सिवा से, जियो में तेरी खातिर दिल बदल दे। हटा लो आंख अपनी माँ सिवा से, जियो में तेरी खातिर दिल बदल दे। पड़ा हूँ दर्द तेरे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। हवाओं हिल सुलाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके बंदे हैं, हकीकत में नहायत गंदे हैं, अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी गंदगी का सलीका अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से बुरी बात से बुरी बात से बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सोए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। प्यारे अल्लाह, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये जुबान को सवाल करने के काबिल नहीं, मेरे मालिक, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए हैं,
نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں, اے اللہ ہم اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم انسان ہو کر اگر ہماری کوئی چیز نافرمانی کرے ہمیں اس پہ غصہ آتا ہے. مرغی ہم پالے, دانا ہم دیں, درگوں کے اندر بند ہم کریں, انڈا وہ اگر پڑوس میں دیا کرے تو ہمیں اس پر تکلیف اور تعجب ہوتا ہے. کھلاتے ہم ہیں, پلاتے ہم ہیں, سلاتے ہم ہیں اور انڈا پڑوس میں جا کر دیتی ہے. پیارے اللہ مرغی اگر بے وفائی کر جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ذبح کرنے کا دل کرتا ہے, بیچ ڈالنے کا دل کرتا ہے. ہمارا نوکر جس کو پہنائیں ہم, کھلائیں ہم, تنخواہ ہم دیں, ہماری بات نہ مانے, ہمیں غصہ آتا ہے. پیارے اللہ ہم کو ہمارا کوئی نوکر, ہمارا کوئی بچہ ہماری نافرمانی کرے تو ہمیں غصہ اور تیش آتا ہے. خیر اللہ آپ کو کیسا لگتا ہوگا جب ہم کھاتے آپ کا ہیں اور غم دوسروں کے کھاتے ہیں, رہتے آپ کی زمین پر ہیں اور تعریفیں دوسروں کی کرتے ہیں. میرے مالک, میرے خالق, میرے پیارے رب, میرے سامنے رب بڑی نافرمانیاں کی ہیں. یا اللہ ہم نے ہڈی کے ڈاکٹر سے پوچھا بدنی انسانی کے اندر سب سے مضبوط ہڈی کون سی ہوتی ہے, تو ڈاکٹر نے کہا دانتوں کی ہڈی سب سے زیادہ مضبوط ہڈی ہوتی ہے. پھر ہم نے پوچھا کہ یہ ہستی کس چیز سے ہے, تو ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ کھاتے کھاتے ہستی ہے. پیارے اللہ نتیجہ یہ نکلا نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ہنس گئے, شکر ادا کرتے کرتے زبان کبھی خشک نہ ہوئی. میرے مالک آپ نے ہمیں اتنا دیا اتنا دیا, پیارے اللہ ہم نے اپنے دانت گھسا ڈالے, کھا کھا کے اپنے دانت گھسا ڈالے, لیکن میرے مالک راتوں کو سجدہ کرتے کرتے مسلح کبھی نہ گھسا, پیشانی پہ نشد نشان کبھی نہ پڑا, پیروں پہ گٹھے کبھی نہ پڑے. میرا مالک ہم نافرمان ہیں, اے اللہ ہم نافرمان ہیں, ہم آپ کے باغی تاری ہیں, ہم آپ کے مجرم ہیں. آپ چاہو تو ہمیں ہلاک کر دیں, آپ اگر ہم سب کو ہلاک کر دیں اے اللہ یہ آپ کا عیب انصاف ہوگا, لیکن اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو آپ کا کرم ہوگا, آپ کا فضل ہوگا, آپ کی عنایت ہوگی. میرے مالک رحم فرما دیجیے, رحم فرما دیجیے, رحم فرما دیجیے, رحم فرما دیجیے. ہم نے باپ کی طبیعت کے اندر تو اتنی سختی دیکھی, باپ کی طبیعت کے اندر تو اتنی سختی دیکھی. بیٹا اگر نافرمانی کرے باپ دو چار مرتبہ سمجھاتا ہے, پانچویں دفعہ گھر سے پھٹکے دے کے نکال دیتا ہے, نظر عنایت اس کی طرف نہیں کرتا بلکہ اس کے انداز خطاب بدل جاتا ہے, انداز تکلم بدل جاتا ہے. اپنی بیوی کو مخاطب ہو کر یوں کہتا ہے اس بدبخت کو کبھی گھر میں مت آنے دینا, انداز یہ کہتا ہے اس بدبخت کو کبھی گھر میں مت آنے دینا, یہ نہیں کہتا میرے پیارے بیٹے کو گھر میں مت آنے دینا, میرے لخت جگر کو گھر میں مت آنے دینا. پیار کے الفاظ نہیں کہتا, غصے کے الفاظ کہتا ہے اور کہتا ہے اس نالائق کو گھر میں مت آنے دینا, وہ بدبخت گھر میں آ جائے تو اس کو کھانا میں مت دینا. پیارے اللہ باپ میں تو تھوڑی سختی ملتی ہے, لیکن پیارے اللہ ہم نے ماں کے اندر ایسی شفقت اور پیار دیکھا ہے. آج تک ماں ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے, ماں عظیم ہستی ہے جو اپنے برے سے بھی پیار کرتی ہے. ماں نے آج تک اپنے برے کو برا نہیں کہا, ماں نے اپنے برے کو آج تک برا نہیں کہا. اگر گھر سے باپ نکال دے دے تو ماں چوری چھپے اس کو کھانا پہنچاتی ہے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ بیٹھا ہوگا, کسی بچے کی ہیلپ لیتی ہے, دوست کو پکڑتی ہے کہ بیٹا اس کے ابو کو پتہ نہ چلے اور جو وہ مجھے بھی مار ڈالے گا, گھر سے کوئی مار ڈالے گا تو بہت کھاتا ہے, بیٹا میرا بیٹا ہے وہ کسی جگہ بھوکا بیٹھا ہوگا, اس کو کھانا پہنچا دینا. کیا ہم نے ماں کے دل کے اندر ایسی شب کو پیار دیکھا ہے. رب کریم آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے کو مہربان ہیں. اللہ ہم بڑے گار سہی, ہم پتھر دل سہی, ہم چائے جیسے سہی, میرے مالک ہیں تو آپ کے بندے. اللہ آپ ہماری کمزوری کو نہ دیکھیے, اللہ آپ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرمائیے, یا اللہ آپ اپنی جلالت شان کو دیکھیے, یا اللہ اپنی شان شان فیصلے فرمائیے. اللہ رحم فرما دیجیے, اللہ رحم فرما دیجیے. حاتم تائی کے پاس ایک عورت چھوٹی سی شیشی لے کر آئی اور کہا کہ مجھے تھوڑا شہد دے دو, میرے بچے کی آنکھیں دکھنے آئی ہیں, میرے بچے کی آنکھوں میں آشوب ہے, آنکھوں میں سرخی ہے, سنا ہے شہد میں شفا ہے, آپ تھوڑا سا شہد دے دو. اس نے ایک بڑا سا مٹکا بھر کے یا مشکلہ بھر کے خادم کو کہا جاؤ اس کے گھر پہ پہنچا کر آؤ. خادم نے کہا اس کو ضرورت تو ہے چھوٹی سی شیشی کی اور آپ بھیج رہے اتنا بڑا مٹکا, اتنا بڑا مشکلہ بھر کے اس کے گھر پر. تو حاتم تائی نے کہا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے مانگا ہے, میں نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے. کہ اللہ تمہیں تو ماننے بھی نہیں آتا, پیارے اللہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق مانگ رہے ہیں, اللہ اپنی شان کے مطابق فیصلے فرما دیجیے, اپنی شان کے مطابق فیصلے فرما دیجیے. رحمت کا معاملہ فرما دیجیے, رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما, برکتوں کا معاملہ فرما. اللہ کیسے 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 پیارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کیسے کیسے قیمتی گھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں.
जिंदगी में जी न जाने कितनी तहज्जुद पड़ी है, कितनी नेकियां की है अल्लाह। इस महफिल में किसी का हाथ पुट था आपको अच्छा लग रहा होगा, अल्लाह उसी के तो फिर आप हमारी मकसद फरमा दीजिए, आप हमारी मकसद फरमा दीजिए अल्लाह। आपने तो हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला जो वक्त के नबी को कत्ल करने जा रहे थे, अल्लाह आपने तो बड़ी हिदायत दे दी थी। अल्लाह आपने तो वासी जिसने वक्त के नबी के चचा को कत्ल किया था उसको भी हिदायत दे दी थी। अल्लाह आपने तो हिंदा जिसने वक्त के नबी के चचा के कलेजे को चढ़ाया था और निगल इसलिए में सकी के वॉमिट आ गई थी, अल्लाह आपने तो उसको भी हिदायत दे दी। अल्लाह आपने ऐसे बड़े बड़े मुजरिमों को हिदायत दे दी। अल्लाह इस महफिल में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने किसी वक्त के नबी को कत्ल तो दूर की बात है उसको गाली देने का भी फैसला किया हो, उसको बुरा उसके बारे में कुछ बुरा भी सोचा हो। अल्लाह ऐसे ऐसा प्यारा मजमा बैठा हुआ है, अल्लाह आप नजर करम फरमा दीजिए, बस एक नजर अपनी मोहब्बत की डाल दीजिए। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे अपनी कश्ती की शर्म है, तेरी रिफतों का ख्याल है, मैं अपने दिल का क्या करूँ इसे फिर भी शौक मिसाल है। अल्लाह अपना खुद खास दे दीजिए, अपनी मोहब्बत कामिल दे दीजिए, विलायत कामिल अता फरमा दीजिए। रब करीम रहमतों का मामला फरमा, इस इदारे को बनाने नूर बना के पूरा करना। इस महफिल में न जाने कैसे कैसे दुखियारे कैसे कैसे हम के मारे बैठे हुए हैं, या अल्लाह आपकी मोहब्बत हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं, या अल्लाह आपका वसल चाहते हैं, आपको कुर्ब चाहते हैं, गुना कर करके थक चुके हैं और थक थक के गुना कर चुके हैं। मेरे मालिक या अल्लाह अब आपका कुर्ब चाहते हैं, आपकी मोहब्बत चाहते हैं। अल्लाह गुनाहों की नफरत ऐसे दिल में दिखा दीजिए जैसे सड़े हुए कुत्ते की नफरत दिल में होती है। या अल्लाह अपनी मोहब्बत अपने दिल में जमा दीजिए, गुनाहों की नफरत दिल में बसा दीजिए। अल्लाह अपनी विलायत का नूर अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये जुबान को सवाल करने के काबिल नहीं, अल्लाह आपसे न करे तो किससे करे, आप हमारे इकलौते रह रहे। अल्लाह रोटी मांगने वाला फकीर एक दरवाजे से महरूम हो, दूसरे दरवाजे पर उसको यकीन होता है वहां से महरूम हो, तो तीसरे दरवाजे पर यकीन होता है कि यहाँ तो मेरी भूख दूर हो ही जाएगी, मेरी तमन्ना पूरी हो ही जाएगी। अल्लाह आपका तो बंदों के लिए एक ही दर है, इसके सिवा कोई दर नहीं। अगर नाराज होकर आपने बंद कर लिया तो प्यारे अल्लाह बंदे तड़पते रह जाएंगे, बंदे तड़पते रह जाएंगे। आप हमारे इकलौते रब हैं, हमारे जैसे तो आपके अरबों खरबों बंदे हैं, आपके जैसे तो हमारा कोई रब नहीं। अल्लाह आप राजी हो जाइए, आप नाराज न रहें। अल्लाह आपने खुद फरमाया अपने महबूब के जरिए असल हो खैर, सुलह के अंदर तो खैर है। अल्लाह जब आपने सुलह के अंदर खैर फरमाया, आज हम सब के सब सुलह करने बैठे हैं। अल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह अपने तौफीक दे दीजिए। अल्लाह मासियत नहीं करेंगे, आपको नाराज नहीं करेंगे, ताकत इबादत करेंगे। अल्लाह तौफीक दे दीजिए, अल्लाह हम सुलह करने आए हैं, हमारी सुलह पे राजी हो जाइए। अल्लाह आपने फरमाया अच्छे गुरु को माफ कर देते हैं। अल्लाह कायनात में आपसे अच्छा कोई नहीं है, अल्लाह हमारे से बुरा कोई नहीं है। अल्लाह जब आपने फरमाया अच्छे गुरुओं के साथ अच्छा सलूक करते हैं, कि अल्लाह आप अच्छे हैं, हम गुरुओं के साथ हुस्ने सलूक का मामला फरमा, आप राजी हो जाइए, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, आने वाली जिंदगी को हमारी जिंदगी का कफारा बना दीजिए, आने वाले अय्याम को गुरु अय्याम से बेहतर बना दीजिए। हमारे गुनाहों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूल फरमा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्फिही मोहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।